राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी पूरे परवान पर है। भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित NMCH अस्पताल में पिछले 3 दिनों से हीट वेव से अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। आज 4 लोगों ने दम तोड़ दिया। भीषण गर्मी के कारण अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अभी 10 बजे तक आंकड़ा है कि 4 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो कि काफी क्रिटिकल कंडीशन में आए हुए थे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की बचाने की, हमारे डॉक्टर साहब, चिकित्सक साहब बहुत कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोग प्रॉपर इलाज का जो वक्त होता है वो काफ़ी कम रहा। उन लोग घर पे ही ज़्यादा वक्त बिता कर आए हुए हैं। कितने मरीज एडमिट है अभी? 5-6 मैंने बताया हो चुकी है। अस्पताल में किस तरह व्यवस्था की गई है डॉक्टरों की? डॉक्टरों की देखने के लिए हमारी पूरी टीम 3 शिफ्ट में मौजूद हैं, जिससे कि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हमारे POD साहब ऑन ड्यूटी हैं, मेरे और भी सपोर्टिव डॉक्टर्स जो हैं वो उपलब्ध हैं। अभी क्या इसमें लोगों को क्या राय देना चाहिए? राय देना यही चाहेंगे कि वो लोग सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में जब तक संभव हो घर पर ही रहें, क्योंकि अभी हीट स्ट्रोक की सरकार के तरफ से भी चेतावनी जारी हो चुकी है कि वो लोग हीट वेव से बचें और जब भी घर से निकलें, इमरजेंसी हो तभी निकलें, अन्यथा ना निकलें, और भरपूर मात्रा में पानी और खाना खा कर निकलें, जिससे कि हीट वेव से बचाया जा सके। लू के वजह से भोजपुर जिले में 6, रोहतास, बांका और अरवल में 4-4, औरंगाबाद में 3, नालंदा, जमुई, जहानाबाद, भागलपुर, गया और पटना में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।